إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه مسلم في كتاب الإيمان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللَّهُمَّ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا آمين صدر محترم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے معزز علماء کرام اور حاضرین اجلاس آپ نے مجھ سے پہلے دو مقررین کو سماعت فرمایا جس میں ایک مولانا ابو القاسم صاحب المدنی حفظہ اللہ امیر ضلع جمعیت اہل حدیث مئونات بھنجن اور دوسرے مقرر حضرت مولانا محمد مقیم صاحب فیضی حافظہ اللہ نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اتباع سنت کے موضوع پر بڑی وضاحت کے ساتھ روشنی ڈال دی گئی ہے اور ساتھ ہی میں یہ 3 سال کی جو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی جو محنت ہے اور جو کارگزاری ہے اس کو بھی ایک بہت سے مختصر سے اور اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے پاکڑ کانفرنس اسی طریقے سے دین رحمت کانفرنس اور اسی طریقے سے المہد العالی کا جو آپ ترجمان وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں اس کا قیام اور اب ترجمان جیسا جماعت کا جماعت اہل حدیث کا ایک 15 روزہ پرچہ برابر اور مسلسل اور وقت پر پہنچ رہا ہے جس سے جماعت کی بیداری کا احساس ہمیں اور آپ کو سب کو ہو رہا ہے
हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि बारे इलाह हमारी जमात जमात अहले हदीस को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और इसी तरीके से जो काम चल रहा है अल्लाह इन कामों में मजीद इजाफा फरमाए। और मैं ये बात भी साथ में कह देना चाहता हूँ, नायब नाजिम मरकजी जमीयत अहले हदीस यहाँ मौजूद हैं, कि जो कोई आदमी मेहनत करता है और उस का जमात के अजमियत के कामों में आगे रहता है, कुछ शर पसंद अनासुर ऐसे होते हैं कि रुसवा करना और बदनाम करने में वो अपनी इज्जत महसूस करते हैं, और ये मामलात सबके साथ हुए हैं, कोई भी हो इससे बचा हुआ नहीं है। जब भी कोई आदमी काम लेकर उठा और उसने मेहनत करना शुरू की, शैतान ने वरगलाना शुरू किया और दूसरे लोगों के दिलों में ये डालना शुरू किया कि आप किसी भी तरीके से इस काम को बंद करवाइए, अल्लाह तबारक व तआला आपको और इस वक्त जमीयत अहले हदीस में जो हमारे अमीर हैं, या इसी तरीके से जो हमारे नाजिम साहब हैं, और इसी तरीके से जमीयत का पूरा अमला, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह इनके हौसले बुलंद फरमाए और कदम कदम पर आने वाली परेशानियों में इनको साबित कदम रखे, और अल्लाह ताला इनसे दीन का काम लेता रहे। दोस्तों और बुजुर्गों, चंद दिन पहले यहां जो दूसरे मसलक वालों का एक इजलास मुनाकिद हुआ, हमें उसके जवाब में कुछ कहना नहीं है, क्योंकि हमें यह मालूम है कि जिसके पास जो होता है वो आदमी वही देता है। अगर किसी के पास गालियों का खजाना हो, या उन्होंने आठ आठ और दस दस साल मदरसों में सिर्फ गालियां ही सीखी हुई हो, तो उससे आप कुरान की आयतों और उन आयात से किसी मसले का हल, और हदीसें और हदीसों से किसी मसले का हल अगर आप ढूंढना चाहें, और उन लोगों से ये उम्मीद रखें कि ये लोग हमको कुरान और हदीस और उनके नुक्ते बयान करेंगे, तो ये नामुमकिन है। मुझे याद है कि जमशेदपुर टाटा नगर में अभी एक डेढ़ साल पहले एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ था, जिसमें लोगों ने मुझे दावत दी थी, मैं वहां पहुंचा था। उससे पांच दिन पहले हमारे भाइयों का जलसा वहां मुनक्किद हो चुका था, और उस जलसे के अंदर जो गालियां दी गईं, उसका एक हल्का सा नमूना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये उस शख्स के जुमले हैं जो आज की रात, आने वाली रात में मऊ की सरजमीन पर उसका प्रोग्राम मुनाकिद हो रहा है। उसका एक जुमला मैं आपको बताऊं क्या है, कैसेट हमारे पास मौजूद है, उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। वो एक जुमला ये था कि ऐ अहले हदीसों, क्या किसी हदीस में ये लिखा हुआ है कि अपनी औरतों को हनफी मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए न भेजो? ऐ अहले हदीसों, तुम अपनी खूबसूरत और जवान दोशीजाओं को, लड़कियों को भी हमारी मस्जिदों में भेज दिया करो, ताकि हमारी बिगड़ी हुई औलादें और हमारे बिगड़े हुए बच्चे भी नमाजी बन जाएं और मस्जिदों में जाने के शौकीन हो जाएं। और नौ महीने के बाद जो तुम्हारी माँ और बहन और बेटियों के साथ जो रिजल्ट निकलेगा वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये हम हल्का सा वो एक नक्शा बता रहे हैं आपके सामने, जो इस मुनाजरे इस्लाम ने, बल्कि मैं ये कहूं मुनाजरे इस्लाम नहीं, मुनाजरे खुराफात ने ये एक जुमला कस कहकर हम जमीयत अहले हदीस और जमात अहले हदीस के लोगों को, के दिलों को ठेस पहुंचाई थी। लेकिन अब यह तो इसका जवाब देने के लिए इसी तरीके के जुमले इस्तेमाल किए जाएं,
जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपना फर्क बरकरार रखना है। अगर उसी तरीके के जुमले हम कह देंगे तो हम में और आप में फर्क ही क्या रह जाएगा। मैंने उसके जवाब में सिर्फ इतना ही कहा था कि मौलाना मोहतरम खुद ही इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि हमारी औलादें किस हद तक बिगड़ चुकी हैं, कि मस्जिदों में आने वाली नेक और नमाज पढ़ने वाली पाकीजा औरतों के साथ भी और बापर्दा और बाहया रहने वाली औरतों के साथ भी जब इस तरीके का सुलूक कर सकते हैं तो ये बाजार में फिरने वाली औरतें कैसे महफूज होंगी और ये बेपर्दा औरतें कैसे महफूज होंगी। आप तो खुद अपने औकात बता रहे हैं कि हमारे यहाँ और मस्जिदों में आने वाले नमाजी और ये नौजवान लड़के कैसे हैं कि मस्जिदों में आने वाली औरतों को भी न छोड़े। ये एक हल्का सा नमूना है, ये वो नमूना है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं जिसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। आप बताइए, हमने आपको छेड़ा नहीं, हमने आपको टोका नहीं, और आप एक ऐसी बस्ती में जमशेदपुर टाटा नगर जहां अहले हदीसों को गिनतियों पर गिना जा सकता है इतने कलील तादाद में, उनसे आपको कौन सा नुकसान था? हाँ, नुकसान है। नुकसान यह है कि जब कोई कन्वर्ट होता है और वो अहले हदीस बनता है तो उसको इतनी मालूमात हो जाती है कि वो बड़े से बड़े इनके आलिम की नाक में दम कर देता है। एक छोटा सा सवाल एक कन्वर्ट अहले हदीस का है, जो कन्वर्ट हुआ था उसने अपने मौलाना से, इन्हीं मौलाना से सवाल किया कि मौलाना ये बताइए कि तकलीद जो आप करते हैं चारों इमामों में से किसी एक इमाम की, ये तकलीद फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत है या मबाह है, क्या है ये मुस्तहब है, क्या है ये फर्ज वाजिब सुन्नत मुबाह मुस्तहब क्या? तो उस कन्वर्ट अहले हदीस को इन्होंने जवाब दिया कि तकलीद हर मुसलमान पर फर्ज है, चारों इमामों में से किसी एक इमाम की तकलीद करना हर मुसलमान पर फर्ज है। तो इस कन्वर्ट अहले हदीस का सवाल देखिए, जो कन्वर्ट हुआ था इसने कहा मौलाना अगर ये हर मुसलमान पर फर्ज है तो क्या अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह क्या ये मुसलमान नहीं थे? कहा हां ये भी मुसलमान थे। तो इसने सवाल किया जब हर मुसलमान पर फर्ज है तो आपके इमामों पर भी तो तकलीद फर्ज होगी क्योंकि ये भी तो मुसलमान थे। जब ये तकलीद हर मुसलमान पर फर्ज है तो अबू हनीफा पर भी फर्ज होगी, इमाम शाफी पर भी फर्ज होगी, इमाम मालिक पर भी फर्ज होगी, इमाम अहमद इब्न हंबल पर भी फर्ज होगी। तो मुझे ये बताओ कि हर मुसलमान पर जब फर्ज है तो ये चारों इमाम किसकी तकलीद करते थे? मौलाना बोले लगता तेरा ईमान किसी ने खराब कर दिया, ये जवाब है। अब अगर ये बताएं कि मेरे इमाम फला इमाम की तकलीद करते थे तो सवाल ये होगा कि फिर तुमने उस इमाम को क्यों छोड़ा जिसकी तकलीद तुम्हारे इमाम ने की? भाई तकलीद का मतलब जो इमाम करे वो हम करें, यही तो है तकलीद। हमारे इमाम ने नीचे नियत बांधी हम भी नीचे बांधेंगे, हमारे इमाम ने हाथ छोड़ी तो हम भी छोड़ेंगे, यही तो है तकलीद। तो तेरे इमाम ने जिस इमाम की तकलीद की तो तू भी उसी की तकलीद कर जिसकी तकलीद तेरे इमाम ने की, यही तो मतलब हुआ तकलीद का। तो जब मौलाना ने देखा कि मैं फंस रहा हूं तो बोले कि तेरा ईमान किसी ने खराब कर दिया। और दलील क्या दी कि कुरान ने कहा अल्लज़ीना आमनू अतीउ अल्लाह व अतीउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की, व उलिल अम्र मिनकुम और इताअत करो उलमा की। उलिल अम्र का तर्जुमा क्या किया? इताअत करो उलमा की। वो कन्वर्ट अहले हदीस ने फिर सवाल कर दिया मौलाना अगर उलिल अम्र से मुराद यही है कि उलमा की इताअत करो तो कुरान ने जब जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया कि तुम उलमा की इताअत करो
तो तुम सारे उलमा में से एक की इताअत करने वाले और एक की तकलीद करने वाले कौन होते हो? कुरान ने तो सारे उलमा का लफ्ज इस्तेमाल किया और आपने एक को मखसूस कर लिया, अबू हनीफा या इमाम शाफी या इमाम मालिक। कुरान जमा इस्तेमाल करे, आप सिंगुलर, क्या मसला है? ये एक जाहिल आदमी सवाल कर रहा है, और किससे? जो हिंदुस्तान के अंदर मुनाजिरे इस्लाम के लकब से मुलकब है, मुनाजिरे इस्लाम। और कहीं एक जगह मुनाजरा जीता नहीं, गंज डुंडवारा की तारीख आप उठाकर देख लीजिए। मेरे भाइयों, ये कॉन्फ्रेंस किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, और ना मैं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना चाहता हूं, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूं कि हां, हम जिस जमात से मुंसलिक हैं, उस जमात का तुर्रे इम्तियाज यह है कि वो सारे बुजुर्गों की इज्जत करती है। जैसा कि मौलाना मुकीम फैजी साहब ने भी बताया, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के वाकयात को भी उन्होंने सामने रखा। हालांकि ये हमारे मसलक के अंदर, ये हमारे मजहब के अंदर इतनी कुशादगी है कि वो आपके बड़े से बड़े आलिम का नाम स्टेज पर भी ले सकता है। क्यों? जिसकी बात कुरान हदीस से मिलेगी, हम उस बात को अल्लाह और उसके रसूल की बात समझते हैं, हम उसका नाम भी लेते हैं। लेकिन ये कुशादगी, ये फराख दिली आपके मसलक के अंदर नहीं मिल सकती। इसलिए नाम लेके देखो। अभी मऊ में एक जलसा हुआ था, उसमें हमारे मसलक के जबरदस्त आलिम मौलाना अबुल वफा सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कितने खतरनाक जुमले बोले गए थे। आपने सोचा, अभी 15-20 दिन, एक महीना पहले जो जलसा हुआ मऊ की सरजमीन पर, उसमें कहा गया कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इतने काबिल और इतनी बड़ी बुजुर्ग हस्ती थे कि अगर वो जहां पेशाब कर दें वहां 10 सनाउल्लाह अमरसरी पैदा हो जाए। यह जुमला इस्तेमाल किया गया, ये जुमला। आप गौर कीजिए कि क्या ये सारे जुमले इस्तेमाल करना चाहिए और इससे उम्मत को क्या फायदा है? ठीक है, आप आजाद हैं, दलील आप दे सकते हैं, हमसे इख्तलाफ आपका हो सकता है, हम आपसे इख्तलाफ कर सकते हैं, हम ऊपर नियत बांधने की दलील पेश करेंगे, आपके पास नीचे नियत बांधने की दलील, आप आजाद हैं, आप पेश कीजिए। कुरान और हदीस के मुताबिक सही हदीस होगी आमन्ना सदकना, ज़ईफ हदीस होगी तो आपके हवाले। मेरे भाइयों, यहां तो वो मामला है कि अल्लाह के रसूल की सही हदीस होनी चाहिए और उस पर नबी की मोहर होनी चाहिए और रावी सिका होना चाहिए, आदिल और तामज़ब्त होना चाहिए। अल्लाह की कसम, तू सही रिवायत पेश कर, सबसे पहले उस पर अमल करने वाले हम। हमारे यहां बंटवारा नहीं है, हमारे यहां बंटवारा नहीं है। हिदाया और दुर्रे मुख्तार पढ़िए, हाजल हदीस, ये हदीस है अली शाफी, इस पर शाफियों का अमल है। लीजिए साहब, क्या लिखा है? ये हदीस है अली शाफ, इस पर शाफियों का अमल है, यानी हदीस सही है, हदीस है, रसूल से साबित है, रावी सही है, लेकिन इस पर इमाम शाफी का अमल है, हमारा अमल नहीं है। ये बंटवारा आपको मुबारक हो। अगर हदीस है, नबी का फरमान है, नबी की हदीस है, रावी सिका है, रावी तामुज़्ज़ब्त है, वो हदीस बंटवारे के लायक नहीं है कि तुम अमल करो या हम अमल करें। वो हदीस सारी उम्मत इस्लामिया के लिए जरूरी है। अगर आप कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसीलिए मैंने आपके सामने जो कुरान की आयत पढ़ी है वो इसी के ताल्लुक से पढ़ी है। माता कुमर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, मां जो कुछ भी अता कुमर रसूल, तुम्हें मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो दें। माता कुमर रसूल कहा है, माता कुमुर रसूल, जो कुछ भी तुम्हें रसूल दे फखुजूहू, उसको तुम ले लो, और मां का जो कुछ भी तुमको दे वमा नहा कुमानु फंतहू, और जिन कामों से तुमको रोके उससे रुक जाओ। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा? रसूल जो दें उसका लेना सुन्नत। सुन्नत की तारीफ और इत्तेबाए सुन्नत के मौजू पर सुन रहे, सुनिए। रसूल जो दें उसका लेना सुन्नत, और नबी ने जिन कामों से रोका हो उससे कोई रुक जाए तो उससे रुकना भी सुन्नत।
रसूल जो दें उसका लेना सुन्नत, और रसूल जिन कामों से रोकें उससे रुकना भी सुन्नत। मसलन अल्लाह के रसूल ने सूद और ब्याज खाने से रोका है, और यहां तक फरमाया कि लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैही हुम सवाउन। यहां तक फरमाया कि सूद का खाने वाले पर लानत, सूद के खिलाने वाले पर लानत, व कातिबहु और बैंक की नौकरियां करने वालों पर लानत। तर्जुमा सही है ना, वह कातिबहु सूद का कारोबार, सूद का काम लिखने वाला, और बैंकों में यही होता है, सूद लिखा जाता है, सूद दिया जाता है। वह कातिबहु और सूद लिखने वाले पर भी लानत, व शाहिदैही मैंने किसी को 1,00,000 रुपया दिया, लो साहब आप सूद आप काम कीजिए, मुझे हर महीने 100 रुपए देते रहिए, मुझे हर महीने 200 रुपए देते रहिए, और मुझे डर है कि ये पैसा वापस नहीं करेगा, मैंने 2 गवाह लाके खड़े कर दिए, मैं तुम्हारे सामने दे रहा हूं, अगर ये मेरा पैसा वापस ना करे तो तुम गवाही देना। वह शाहिद सूद की गवाही देने वाले दोनों गवाहों पर भी लानत। हम खा नहीं रहे हैं लेकिन गवाही किसी की दे रहे हैं तो ये भी मलून होने की दलील है। और इतना ही नहीं बल्कि रसूल ने फरमाया हम सवाउन, खाने वाला खिलाने वाला लिखने वाला गवाही देने वाले सब बराबर हैं, यानी जितना गुना खाने वाले को पड़ेगा उतना ही गुना गवाही देने वाले को भी पड़ेगा। तो अल्लाह के रसूल ने सूद खाने से हमको रोका। अब अगर हमारे पास सूदी पैसा आया और मैंने उसको ले लिया और लेकर ये सोचकर हमने छोड़ दिया कि नहीं अल्लाह के रसूल ने मना किया है, इसकी सजा बहुत खतरनाक है, हजरत हुज़ैफा से वो हदीस मरवी है कि अल्लाह के नबी ने सूद की सजा क्या बताई कि दिरहम रिबा याकुलहु रजुलु व हुवा यालमु अशद्द मिन 36 जिनतन, जिसने सूद का 1 दिरहम 1 रुपया भी खाया और वो जानता था कि ये सूद का पैसा है, इसका गुना क्या कि उसने 36 बार जिना किया, और 36 बार अशद्द मिन 36 जिनतन, ये 36 बार जिना करने से भी ज्यादा संगीन है। और उसने ये सोचकर छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल ने मना किया, तर्क कर दिया, तो उसको सूद के छोड़ने पर भी सवाब मिलेगा क्योंकि उसने सुन्नत पर अमल किया। शराब की बोतल मेरे हाथ में ऑटो पर ले जा रहा है लेकिन सोचा अल्लाह के रसूल ने हराम करार दिया हम नहीं पिएंगे, उसको हटा दिया, तो उसको शराब के छोड़ने पर भी सवाब मिलेगा। एक शख्स है हराम औरत के पास गया, ना ये तो हराम औरत है, हमारे लिए जायज नहीं है, नबी ने मना किया, छोड़ दिया। अपनी बीवी के पास आया, अपनी बीवी से मिला, तो उसको अपनी बीवी से मिलने पर भी सवाब मिलेगा। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल ये आदमी तो अपनी तलज्जुज और अपने फायदे के लिए ऐसा करता फिर भी सवाब। फरमाया हाँ अगर वो ये हराम तरीका अपनाता, जो हलाल तरीका उसने अपनाया, अगर हलाल बीवी को छोड़कर हराम औरत के पास जाता तो उसको गुनाह नहीं मिलता, कहां मिलता, कहा कि उसने हराम रास्ते को छोड़ा और हलाल रास्ता अख्तियार किया, तो क्या उसको सवाब नहीं मिलेगा। तो ये भी सुन्नत। सुन्नत की तारीफ क्या हुई, रसूल जो दें उसको लेना सुन्नत, और रसूल जिन कामों से रोकें उससे रुक जाना भी सुन्नत। इसीलिए कुरान ने क्या कहा, मा अताकुमुर रसूल फखुजूहू, तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दें वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू, और तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कामों से रोकें उससे रुक जाओ। अच्छा अल्लाह ने यह क्यों कहा कि रसूल जो दें वो ले लो, यह भी तो कह सकता था मैं जो दूं वो ले लो। अल्लाह ने यह क्यों कहा कि रसूल जो दे वो ले लो, इसलिए कि उसने रसूल की जमानत भी ली है, गारंटी ली है। क्या कहा, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, रसूल जो दे वो ले लो इसलिए कि वो मेरी मर्जी के मुताबिक ही देता है, वो अपनी मर्जी से कुछ बोलता ही नहीं। मा यंतिकु अनिल हवा, वो जो कुछ भी कहता है वो मेरे हुक्म से कहता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता। मोहम्मद ताना गुफ्ते जिब्राइल, और जिब्राइल ताना गुफ्ते कर्दगार। मोहम्मद उस वक्त तक नहीं बोलते जब तक कि जिब्राइल ना बोले, और जिब्राइल उस वक्त तक नहीं बोलते जब तक कि अल्लाह ताला ना बोले। तो इसलिए ले लो, और क्या कहा, मा यंतिकु अनिल हवा, अन कहा है अन, मेरा रसूल ख्वाहिश से नहीं बोलता, और अरबी में अन कहां आता है,
बहुत मदरसा है, बच्चे पढ़ते होंगे, आप भी जानते होंगे, उलमा बैठे, एंड लितजावुज, जिसने शराह मियां आमिल वगैरह पढ़ी होगी वो जानता होगा, अन अरबी में तजावुज के लिए आता है, अन अरबी में किसी चीज को किसी चीज से अलग करने के लिए आता है, अन जैसे तालिबे इल्म पढ़ता है रमैतु सहम अनिल कौस, मैंने तीर को कमान से निकाला, मैंने तीर को कमान से फेंका, ये कमान है तीर में लगा है, तीर कमान में लगा है, और कमान से जो हमने तीर को फेंका तो तीर कितनी दूर गिरा और कमान मेरे हाथ में, यानी जितनी दूरी इस तीर में और कमान में है उससे भी ज्यादा दूरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान और अपनी ख्वाहिश के दरमियान है, यानी जितनी दूरी ये है उससे भी ज्यादा दूरी ये बात है कि रसूल ख्वाहिश से बोले, अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता, ये बहुत दूर की बात है कि मेरा नबी अपने दिल से भी कोई बात कह डाले। मा यंतिकु अनिल हवा, अन तजावुज के लिए आता है, यानी इतनी दूर की बात है, जितना वो तीर और कमान में दूरी है उतनी ही दूरी ये है कि अल्लाह के रसूल अपनी मर्जी और अपनी तरफ से कोई बात कह दें और अल्लाह की इजाजत और अल्लाह का हुक्म ना हो। आइए कुरान ने दूसरी जगह क्या कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। किस इमाम का नाम आ रहा है, किस बुजुर्ग की बुजुर्गी का तस्करा किया जा रहा है सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह की, और कहा जा रहा है नबी कह दो, यानी अल्लाह का भी हुक्म है और अल्लाह ताला अपने नबी से भी कहलवा रहा है, कुल कह दो, क्या कह दो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिउनी, तो पहले मेरी इत्तिबा करो, और रिजल्ट क्या निकलेगा, जब मेरी इत्तिबा करोगे तो नतीजा क्या निकलेगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। पता ये चला कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए हमको रसूल की इत्तिबा करना पड़ेगी और रसूल की इताअत करना पड़ेगी। आइए सबसे पहले मैं सुन्नत की एक हल्की सी तारीफ आपके सामने कर दूं, सुन्नत किसको कहते हैं, ताकि इत्तिबाए सुन्नत को समझने में हमें आसानी हो। सुन्नत की तारीफ लुगवी एतबार से और लुगतन सुन्नत की तारीफ तरीके को कहते हैं, तरीका, चाहे वो अच्छा हो या बुरा वो सुन्नत यानी वो तरीका है, लेकिन इस्तिलाह में शरीयत में शरान उसकी तारीफ क्या हुई सुन्नत की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा वो सुन्नत, नबी ने जो करके दिखाया वो सुन्नत, नबी ने जो कहा वो सुन्नत, नबी ने जो किया वो सुन्नत, नबी ने न तो कहा न किया और किसी करने वाले को करते हुए देखा, आपने उसको उसके करने से मना न किया तो वो भी सुन्नत। ये तीन चीजें हुई शरान सुन्नत की तारीफ। आइए सुन्नत की तारीफ में दो हदीसें आपके सामने पढ़ रहा हूं, पहली हदीस देखिए, हदीस लंबी है उसका एक टुकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूं। वान अनस रजी अल्लाह तआला अनु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري في كتاب النكاح। इस हदीस को इमाम बुखारी किताब النکاح में लाए हैं। हजरत अनस फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना शादी करना ये मेरी सुन्नत है। देखिए सुन्नत की तारीफ क्या हुई, अन निकाहु मिन सुन्नती, शादी करना ये मेरी सुन्नत है, ये मेरा तरीका है। फमन रगबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, और इसने शादी करने से पीठ फेरी, मुंह मोड़ा शादी करने से इनकार कर दिया, फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं, यानी वो मुसलमान ही के उसके बारे में तसव्वुर करना, उसको मुसलमान जानना भी एक जुर्म होगा। फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं। अब सुन्नत की तारीफ आपके सामने आ गई, सुन्नत किसको कहते हैं, नबी ने जो किया वो सुन्नत है। अब आप सोचें ना, मैं शादी करूंगा तो क्या रात में इबादत नहीं कर सकता अल्लाह की, सुबह फजर में उठना मुश्किल हो जाएगा, शादी अगर कर लेंगे हम तो घरेलू
झमेलों में पड़ जाएंगे और फिर हम कारोबार में भी लगेंगे, दिन में रोजा भी नहीं रख पाएंगे। आपने अच्छी नीयत से शादी छोड़ दी, रात में इबादत करना है, दिन में रोजा रखना है और शादी कर लेंगे तो ये रुकावट बन जाएगी, हम शादी ही नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल कहते पाबंद रहे बहन सुन्नती, अच्छी नीयत ही तुम्हारी सही, लेकिन अगर तुमने शादी करने से मुंह मोड़ा तो तुम मुझ में से नहीं। अब पढ़ते रहो नमाजें, ये है सुन्नत, पढ़ते रहो। वो एक बाबा थे ना, एक दिन में 2000 रकात पढ़ते थे, मालूम है, कौवे की ठोंगे मारा करते थे बेचारे, एक दिन में 2000 रकातें, और हवाला मेरे जिम्मे। अब अल्लाह बेहतर जाने ये नमाजें पढ़ते थे या वो राजधानी एक्सप्रेस चलाते थे, जरा गौर करके बताओ कि एक दिन में 24 घंटे में 2000 रकातें। अरे अल्लाह के बंदे, एक रकात कितनी देर में पढ़ते थे वो? और नीचे लिखा हुआ है हमारे ये वली थे, एक दिन में 24 घंटे में 2000 रकात पढ़ते थे। नीचे लिखा नोट, वहाबियो क्या तुम्हारे यहां पर भी ऐसा कोई वलीउल्लाह पैदा हुआ है जो एक दिन में 2000 रकात पढ़ता हो? जब वहाबियो कहकर लिखी दिया तो उसका जवाब भी सुन लो, वहाबी ना होता मैं जवाब ना देता, वहाबी कह के लिख दिया तो जवाब भी सुन लो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हमारे यहां एक दिन में 2000 रकात पढ़ने वाला कोई शैतान अब तक पैदा नहीं हुआ। आपके यहां जो हो, वलीउल्लाह हो या वो अल्लाह हो, हमको इससे मतलब नहीं, हमारे यहां ऐसा शैतान अब तक कोई पैदा नहीं हुआ। शैतान ही होगा ये आदमी जो एक दिन में 2000 रकात पढ़ रहा है। अबे अल्लाह के बंदे, एक रकात कितनी मिनट की मानोगे? दो मिनट की ना मानो, डेढ़ मिनट की ना मानो, कम से कम एक मिनट की एक ही रकात मान लो। एक मिनट में एक रकात मानते हो तो 60 मिनट में 60 रकातें हो रही हैं, एक घंटे में 60 रकात, 24 घंटे में आप कैलकुलेट करके देखें, जोड़िए, एक घंटे में 60, 24 घंटे में 1400 या 1500, इससे ज्यादा नहीं हो रही। एक मिनट की एक रकात मानो तो 24 घंटे में 1400 या 1500 रकातें जोड़ लीजिएगा, 60 को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, 1400 या 1500 से ज्यादा रकातें नहीं बन रही हैं, और वो भी उस वक्त जब आप अपनी लेटरीन रोक लें, पायखाना ना करें, पेशाब करने ना जाएं। अगर पेशाब करने में 4 मिनट 2 मिनट लग गए तो हम 2 रकातें काट लेंगे आपकी। खाना खाने में अगर आपका 5 मिनट लग गए तो हम 5 रकातें कम कर लेंगे आपकी। अगर खाना लेटरीन करने में आपके 10 मिनट लग गए तो 10 रकातें हम काट लेंगे आपकी। अगर रात में 1 घंटा या 2 घंटा अगर आप सो लिए, 2 घंटा भी अगर आप सोए 24 घंटे में तो 2 घंटे की हम 120 रकातें काट लेंगे आपकी। जोड़िए आप लगातार बैग वक्त भूखे प्यासे लेटरीन पेशाब पायखाना सब रोक कर जब आप नमाज पढ़ेंगे तब आपकी नमाजें हो रही हैं 24 घंटे में 1400 या 1500, और ये पढ़ता था 2000। अब आप बताइए कि ये नमाज पढ़ता था या वो पहलवानों की तरह उठक बैठक किया करता था, क्या था ये? अगर ऐसी उठक बैठक करना है तो हम तो 4000 बार कर लेंगे एक दिन में, ये अलग बात है, फिर 5 दिन बिस्तर से नहीं उठेंगे वो अलग बात है, लेकिन जज्बात में आके तो हम भी 4-5 हजार कर डालेंगे एक दिन में। जरा गौर तो करो ये कौन सी नमाज है थी, पढ़ते रहो ऐसी नमाजें, ये सुन्नत के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है, और हम इसीलिए सुन्नत पर जोर देते हैं। लाख आप नमाजें पढ़ते रहो, रोजा रखते रहो, मोहर होनी चाहिए मोहम्मद रसूलल्लाह की। एक आदमी बड़े जज्बात में आके ऐसे ही कहता, वली साहब हम पहले जन्नत में जाएंगे। हमने कहा क्यों, तेरे बाप को ठेके में मिली थी क्या? बोला ना ना ना, ना हम लोग ज्यादा रकात पढ़ते हैं, जोहर में तुम 10 पढ़ते हो, हम 12 पढ़ते हैं, मगरिब में तुम 5 पढ़ते हो, हम 7 पढ़ते हैं, ईशा में तुम 7 पढ़ते हो, हम 17 पढ़ते हैं, तरावी तुम 8 पढ़ते हो, हम 20 पढ़ते हैं। हमने कहा सारी नमाजें तुझसे पहले पढ़ते हैं। बोला क्या मतलब? हमने कहा हाँ, और इतना भी याद रख, हम शॉर्टकट से जाएंगे, तुम लॉन्ग कट से जाओगे। क्या? हमने कहा भाई मुझे यहां पहुंचना है, रास्ते 2 हैं, गाड़ी भी होगी तब भी आदमी आजकल अपना पेट्रोल बचाता है, शॉर्टकट से ही जाना पसंद करता है। हमने कहा तुम लॉन्ग कट से आओगे, जब तक तुम आओगे तब तक हम पहले पहुंच चुके होंगे।
हमको साथ में जन्नत मिल रही तो 17 पढ़ने की हमको क्या जरूरत। मिर्जा गालिब ने कहा था ना, शराब नहीं मिली तो एक दिन चला गया नमाज पढ़ने और वजू बनाया और जैसे ही नमाज पढ़ी और 4 रकात की नियत की और 2 ही रकात में किसी ने उसको शराब की बोतल दिखा दी और नमाज छोड़ छाड़ के भाग आया, शराब ली। बीबी ने कहा पढ़ाई नमाज? कह रहे बीबी आज नमाज पढ़ने गए थे तो अल्लाह ताला से शराब की दुआ मांगने गए थे कि शराब की बोतल मिल जाए, तो कह रहे पढ़ ली नमाज? कहा अल्लाह ने 2 ही रकात में सुन ली तो 4 पढ़ने की जरूरत क्या है। मेरे भाइयों ये मामला, मैं आपको बताऊं और आप ताज्जुब करेंगे। वो कहते हैं कि हम ज्यादा पढ़ते हैं पहले जाएंगे, और हमने कहा हर नमाज तुमसे पहले हम पढ़ पहले जाएंगे, अंदर से दरवाजा बंद कर लेंगे। जवाब देना हमको भी आता है, ये अकली दलील ना तुम्हारी चलेगी ना हमारी चलेगी, ये बताओ तुम्हारी नमाजों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर है या नहीं? हमारी नमाजों पर हमको तो यकीन है कि है, नहीं तो दलील से आप इनकार करके दिखाइए। नमाज की दुआ, अजान के बाद की दुआ देखिए क्या पढ़ते हैं आप, दुआ कितनी है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति तामा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदन अल वसीला वल फ़ज़ीला वबअस्हु मक़ामन महमूदा अल्लज़ी वअता, बस इतनी दुआ है। और आपने क्या किया, आति मुहम्मदन अल वसीला वल फ़ज़ीला वद्दरजतिर रफ़िया का जुमला अपनी तरफ से बढ़ाया, हदीस में नहीं है। और अल्लज़ी वअतहु के बाद वरज़ुक़ना शिफ़ातहु इन्नका ला तुख़लिफुल मियाद, और पता नहीं कौन कौन सी तुमने दुआएं उसने मिलाई, जहां नहीं मिलाना चाहिए वहां मिलाया, और जहां पढ़ना चाहिए वहां बिल्कुल साफ कर गए चाट गए। देखिए एक सजदा करके उठे सुभान रब्बी अलाला अल्लाहु अकबर, अब पढ़ना चाहिए अल्लाहुम्मग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफनी वरज़ुक़नी, इसको अपने पेट ही में छोड़ गए। जहां पढ़ना चाहिए वहां नहीं पढ़ा, जो हदीसों से साबित है अबू दाऊद और नसई की, और जहां साबित नहीं है बुखारी और मुस्लिम वगैरह की दुआओं में, वहां तुमने अपनी तरफ से मिलाना शुरू कर दिया। रोजा इफ्तार की दुआ देख लो, अल्लाहुम्मा अल्लाह का सुमतो वाला रिस्के कब्तर, तो क्या कहने लगे, अल्लाहुम्मा अल्लाह का सुमतो वबी का अमन तो वाले का तवक्कल तो वाला रिस्के कब्तर, तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा आता, इधर से लाया आता उधर से जोड़ा, ये क्या है तुम्हारी आदत, समझ में नहीं आता कौन सी सुन्नत का तरीका है तुम्हारा, और लाए कहां से हो तुम, और कौन सी हदीसों से तुमने इस्तिंबात किया है इनका। और हम अगर सुन्नत के मुताबिक दावत दें तो कहते हैं साहब ये कुरान हदीस को नहीं मानते, ये क्या जाने सुन्नत, ये क्या जाने सुन्नत। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, शादी कर लो ये मेरी सुन्नत है, और जिसने शादी करने से मुंह मोड़ा हो फलैसा मिन्नी मुझ में से नहीं। अब सुनो शादी की शरायत क्या है, ये शर्त होनी चाहिए, ये शर्त नहीं कि 15 जोड़े सूट होना चाहिए, इतनी साड़ी होना चाहिए, इतना सोना और चांदी नहीं नहीं, हाँ इतनी चीजें होनी चाहिए तो तुम शादी करो। हदीस रिवायत हदीस जो है समाज फरमाइए, वान अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अनु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاشر الشباب من استطاع منكم البعض فليتزوج فإنه أعد للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ رواه البخاری فی کتاب النکاح، اس حدیث کو بھی امام بخاری کتاب النکاح میں لائے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم البات، اے نوجوانوں اگر تمہارے پاس قوت ہے طاقت ہے بیوی کو کھلانے کی بیوی کو پلانے کی، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کا دوا اور علاج کرانے کی، البات اور تمہارے پاس قوت ہے اپنے بیوی کے حق کو ادا کرنے کی، فل یتزوج تو شادی کر لو، بس اتنی چیز بتائی شادی کی شرط میں، یہ طاقت ہونی چاہیے بیوی کو کھلانے کی بیوی کو پلانے کی بیوی کو علاج کرانے کی اور بیوی کا حق ادا کرنے کی بس۔ اور 10 و 15 جوڑے ساڑی اور یہ وہ سب نہیں چلے گا، کتنے تھا نہیں اس لیے شادی نہیں کر پا رہے، اگر اس کی وجہ سے رکے ہوئے ہو تو معاف کیجئے گا، یہ سنت پر عمل نہیں ہے، اور اس حالت میں فلیس منی کے اندر کہیں داخل نہ ہو جائیں۔ اور سنی شادی آج آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں، کہ مولوی صاحب بیوی آئے گی تو کیا کھلائیں گے، ہے نہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک معاملہ آیا، ایک نوجوان کہ اللہ کے رسول میری شادی تو ہوئی نہیں، شادی تبھی کروں گا جب پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں گا، میرے لیے کوئی کام بتا دیجئے میں کیا کام کروں۔ آپ نے اس سے کہا
कि तुम एक शादी कर लो, घर में खैरो बरकत हो। पता ये चला कि शादी से खैरो बरकत होती है, गरीबी मिटती है। और आज आदमी इसलिए शादी नहीं कर रहा है कि वो अभी गरीब है, शादी कर लेगा तो और गरीब हो जाएगा। वो ये सोचता है कि अभी तो हम नहीं खा पा रहे, बीवी आएगी तो क्या खिलाएं। वो कहता अल्लाह के रसूल मैं गरीब हूं, कोई बिजनेस बताओ, कारोबार बताओ। आपने कहा शादी कर ले। कहा क्या कह रहे हैं आप? कहा ठीक है आप कह रहे हैं तो जरूर बरकत होगी। गया और शादी कर ले। फिर आया कुछ दिन के बाद, कहा क्या हाल है? कहा शादी करा के हाल पूछते हैं अल्लाह के नबी। कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल मैंने तो सोचा था कि खैर बरकत होगी, पहले तो कम से कम दो टाइम का तो मैं तो खा लेता था, तो ना मैं खा पा रहा हूं ना वो खा पा रही है। अच्छा अल्लाह के रसूल कोई काम बताइए मुझे, नहीं तो मैं भी मरूंगा वो भी मरेगी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वाकई बहुत परेशानी है। कहा हाँ। कुछ काम करो, एक शादी और कर लो।